भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव में भी नो रिपीट थ्योरी पर काम कर रही है। चर्चा है कि भाजपा के 50 विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं। उधर कांग्रेस के 90 उम्मीदवारों की सूची तैयार है, पर अब अल्पेश ठाकुर व पार्टीदारों के समर्थन के बाद उम्मीदवारों की सूची पर ब्रेक लग गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने प्रदेश संसदीय बोर्ड की बैठक में शामिल होने के बाद प्रत्याशियों की सूची में काफी सुधार कराया तथा करीब 50 विधायकों के नाम काटने पर भी सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में मुख्यमंत्री रहते चुनाव के दौरान नो रिपीट थ्योरी अपनाई थी। काम नहीं करने वाले तथा भ्रष्टाचार व अपराधों के आरोपों में घिरे विधायकों को दूसरी बार टिकट नहीं दिया जाता था। पार्टी इस बार भी इसी सिद्धांत पर काम कर रही है। उधर कांग्रेस के 90 उम्मीदवारों की सूची पर भी ब्रेक लग गया है। ओबीसी नेता अल्पेश ठाकुर के कांग्रेस में शामिल होने तथा पार्टीदार व दलित समुदाय के युवा नेता के समर्थन के बाद कांग्रेस कई विधानसभा सीटों पर दावेदारों के नाम बदलने वाली है। चर्चा है कि राज्यसभा चुनाव के दौरान भी पार्टी के साथ खड़े रहे 5 विधायकों को लेकर पार्टी नेताओं में खींचतान है। SPN 9 न्यूज रूम से राहुल की रिपोर्ट।